पेचनी ये आरी वर्क का एक बहुत ही पॉपुलर स्टिच है, जिसे आज मैं तीन अलग अलग मटेरियल से सिल के बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओके कर दें। सबसे पहले मैं नक्सी से सिल करके दिखा रहा हूँ। नक्सी को इस तरह से खींच लें, सेम इसी तरीके से कोरा या सादी भी सिलाएगा। गाइस, पेचनी को लोट से थोड़ा सा फ़र्क करके सिला जाता है, लेकिन ये लोट से या इम्बोज लोट से बिल्कुल ही अलग दिखता है। इसी मटेरियल का लोट सिलते हैं तो वो जाड़ा होता है और पेचनी पतला होता है। साथ ही लोट को हम पैडिंग डाल के और बिना पैडिंग डाले भी सिल सकते हैं, लेकिन पेचनी को हमेशा बिना पैडिंग के ही सिला जाता है। अभी आपको लोट और पेचनी के स्टिच में फ़र्क समझ आ जाएगा। ये पहला पीस मैंने नक्सी का सिला, लोट को आधे से ऊपर से उठाते हैं और पेचनी को कम से कम आधा या उससे कम से उठाते हैं। अभी मैं दो तीन पीस लोट का सिल के बता देता हूँ। ये देखिए, मैंने आधे से ऊपर में टाका लिया, अब फिर मैं आधे से दूसरे नक्सी के आधे के ऊपर में मैंने टाका लिया। तो इस तरह से जो हमारा तैयार होगा वो बिना पैडिंग वाला लोड होगा। अभी मैं इसे खोल देता हूँ क्योंकि मुझे आपको पेचनी से खाना है। लोड मैंने ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए मैं आधे से ले रहा हूँ। आधे से लेंगे तो थोड़ा जाड़ा पेचनी आएगा और आधे से कम लेंगे तो बारीक पेचनी आएगा। डिज़ाइन का डिमांड, अगर जाड़ा पेचनी सिलना है तो 20 से टाका लेंगे और अगर बारीक सिलना है तो 20 से नीचे से आधे से नीचे से टाका लेंगे। गैस, अगर आपने पेचनी वर्ड्स पहली बार सुना है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं।